सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरखाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं टाटा कॉमिंस BS3 इंजन का कॉम्प्रेसर हेड पिस्टन रिंग कैसा चेंज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था अशोक लेलैंड टस्कर का किनपिन सिम सेटिंग कैसा करते हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक के आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं टाटा कॉमिंस BS3 इंजन का कंप्रेसर हेड के पास और देख सकते हैं ये है पिस्टन और कंप्रेसर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कंप्रेसर का जो पिस्टन रिंग है उस रिंग को चेक कर लेना है बोर में डालकर कि दो हमने जो नया पिस्टन का जो रिंग मंगाया है ये सही है या नहीं है। हम अगर उसको बोर के अंदर डाल के देखते हैं तो इसमें कितना गैप आ रहा है, ये सारा कुछ आपको सबसे पहले चेक कर लेना है पिस्टन में फिटिंग करने से पहले। उसके बाद दोस्तों, आपको पिस्टन में पिस्टन रिंग को फिटिंग करना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, हम बता दें आपको कि इस कंप्रेसर हेड असेंबल को हमने क्यों ओपन किया है, क्या कारण था हमें इस हेड असेंबल को ओपन करने का और ये पिस्टन बाहर निकालने का। तो सबसे पहले हम बताएं कि इसका जो आउटपुट पाइप है जिससे मतलब प्रेशर बाहर आगे जाता है, उस प्रेशर पाइप से ऑयल लीकेज हो रहा था। तो हमने जब उस पाइप को ओपन किया और ओपन करने के बाद जब हमने इंजन को स्टार्ट करके देखा तो हल्की हल्की ऑयल आ रही थी। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इस कंप्रेसर पिस्टन का ऑयल रिंग ख़त्म हो गया था, मतलब कट गया था, मतलब कि पिस्टन के साथ में ऑयल ऊपर लेके आ रहा था। तो उस वजह से क्या हो रहा था, वो ऑयल कंप्रेसर हेड के थ्रू वो बाहर आउटपुट पाइप में जा रहा था। तो दोस्तों, हमें इसके लिए क्या करना होगा, इस कंप्रेसर पिस्टन का हम अगर नया रिंग डाल देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, वो ऑयल आना बंद हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, हमने कंप्रेसर का जो रिंग है, हमने कंप्रेसर का जो बोर है उसमें हमने डालकर सारा कुछ चेक कर लिया जो कि एकदम एक्यूरेट था, और उसके बाद हमने पिस्टन में रिंग को फिटिंग कर दिया। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, पिस्टन को कंप्रेसर के ब्लॉक में फिटिंग करना है। तो दोस्तों, पिस्टन को फिटिंग करने से पहले आपको पिस्टन के ऊपर ऑयल लगा लेना है, और ऑयल लगाने के बाद दोस्तों, आप पिस्टन का जो रिंग हमने फिटिंग किया है उस रिंग का जो कट पोजीशन है उसे आप सेट कर लेना है। तो दोस्तों, आपको एक बार और बता दें हम कि जो गजन पिन है, गजन पिन के ऊपर कोई भी पिस्टन का रिंग नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज़, जो भी हम रिंग फिटिंग किया है उस रिंग का कट एक साथ नहीं आना चाहिए। अगर हमने एक रिंग को रख दिया है एक कट के ऊपर तो दूसरा जो रिंग का कट है उसी लाइन पे उसी जगह पे नहीं आना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है, आप कोई भी पोजीशन पे किसी भी तरह से फिटिंग कर सकते हो, बट आपको गजल पिन के ऊपर नहीं आना चाहिए, दूसरा एक साथ कट नहीं आना चाहिए रिंग का। तो देख सकते हैं, इस प्रकार से आप कंप्रेसर रिंग को फिटिंग कर सकते हैं। कंप्रेसर रिंग फिटिंग करने के लिए दोस्तों, आप रिंग क्लैंप का यूज़ कर सकते हैं। रिंग क्लैंप यूज़ करने से आसानी से पिस्टन फंस जाता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद दोस्तों हमें क्रैंक फिट करना है। तो दोस्तों, क्रैंक फिटिंग जब होगा, जब पिस्टन पूरी नीचे जाएगी, नीचे जाने के बाद में ही ये क्रैंक को हम घुमा घुमा कर फिट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने कंप्रेसर का जो क्रैंक है उसे फिट कर दिया है, और देख सकते हैं ये क्रैंक में जो होल दिया हुआ है, ये जो क्रैंक का जो कैप है इस जगह पे पाइप लगता है, जैसे कि देख सकते हैं कैप में एक जगह दिख रहा है, इस जगह से पाइप लगता है ऑयल पाइप। उस ऑयल पाइप के थ्रू इस क्रैंक में ऑयल आता है, और ये क्रैंक अंदर ही अंदर ऑयल कहाँ जाता है, कनेक्टिंग के बूस में, और उससे दोस्तों कनेक्टिंग में आएगा, और कनेक्टिंग से डायरेक्ट आपका जो पिस्टन का जो गजन पिन है उस जगह पे उसके बूस में आएगा। तो इस प्रकार से ऑयल का लाइन इसमें काम करता है, ठीक है।
तो चलिए जल्दी से हम इस क्रैंक का जो प्लेट है इसे टाइट कर लेते हैं, और इसके जो एलंकी बोल्ट है उसे अच्छे से हमें टाइट कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों कंप्रेसर को घुमाकर दूसरी साइड के प्लेट को भी हमें फिट कर लेना है, और इसको भी अच्छी तरह से टाइट कर लें। दोस्तों आपको इस इंजन का पार्ट कैटलॉग चाहिए तो मैकेनिक ज्ञान ऐप जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस मैकेनिक ज्ञान ऐप में सभी टाइप के इंजन, गेयरबॉक्स, व्हीकल एंड मशीनरियों के पार्ट कैटलॉग मौजूद है, जो कि आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और भी अपने मैकेनिकल कैरियर को आसान बना सकते हैं। अगर उस मैकेनिक ज्ञान ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे और आप आसानी से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने इस साइड के भी प्लेट को टाइट कर लिया है और उसके ऊपर भी एक कैप और भी दिया हुआ है। ये कैप दरअसल दोस्तों अगर ये इंजन गाड़ी में फिट होगा तो स्टीयरिंग पंप लगने के लिए देता है, बट दोस्तों अगर कोई मशीन में फिट है तो ये हमें प्लेट को लगाना होता है। फिलहाल ये हमारी मशीन में लगी हुई है, इस वजह से इस कैप को लगाकर हमें अच्छे से टाइट करना होगा। तो देख सकते हैं, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ तक तो सब कंप्लीट कर लिया, अब आती है बात रेड वाल की। तो दोस्तों हमें डिलीवरी रेड वाल है उसके ऊपर एक गैस्केट लगाना है, उसके बाद में डिलीवरी ब्लॉक फिटिंग करना है, उसके बाद दोस्तों हमें डिलीवरी वाल फिट करना है। तो दोस्तों ये डिलीवरी वाल जब फिट करना है तो ये स्प्रिंग का आपको ध्यान रखना है, ये वाल के बीच में स्प्रिंग आता है। कई लोग क्या है ऊपर डालते हैं या तो नीचे डालते हैं और ये ब्लॉक फिटिंग नहीं कर पाते, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो डिलीवरी वाल है उसके जो वाल को जब दोनों साइड में खींचोगे पकड़ के तो उसके बीच में गैप होगा, उस वहाँ से उस पिस्टन निकल जाएगा और उस पिस्टन के बीच में आपको उस वाल के बीच में उस स्प्रिंग को डालना है और उसके बाद में फिर कंप्रेसर हेड कवर को लगा देना है और गैस्केट लगाना है। गैस्केट लगाने के बाद में इस कवर को लगाकर दो बोल्ट को टाइट कर देना है जो कि 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो जब भी आप दोस्तों ये बोल्ट को टाइट करोगे तो हल्का लूज रखना है, क्योंकि अगर उस बोल्ट को टाइट कर दोगे तो ये बोल्ट अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमने हल्का हल्का टाइट कर दिया तो सेंटर नहीं मिल रहा है। चलिए थोड़ा सा लूज कर देते हैं, उसके बाद में ये सारे बोल्ट एक एक करके अंदर चला जाएगा। तो देख सकते हैं हल्की हल्की हमें चोट मारनी पड़ेगी शायद, तो चलिए देख लेते हैं हल्का हल्का चोट मार के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप पहले इसे कंप्लीट कर लें इस ब्लॉक को, उसके बाद में आप डायरेक्ट कंप्रेसर के हेड ब्लॉक में फिटिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब दोस्तों हमें नीचे साइड भी एक गैस्केट लगाना है जो कि डिलीवरी रेड वाल है उसके बीच और अपना जो कंप्रेसर ब्लॉक है उसके बीच। तो देख सकते हैं हमने वो गैस्केट भी लगा दिया है, अब हमें डिलीवरी ब्लॉक असेंबल को फिटिंग कर देना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको सेंटर मिलाना है, ये चारों 13 नंबर के बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेना है, उसके बाद दो 10 नंबर के जो बीच में बोल्ट हैं दोनों उसे भी अच्छे से टाइट कर लेना। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।